नए किचन टिप्स दादी नानी के शानदार घरेलू टोट के पहला यदि आप सब्ज़ी के रस को अधिक लाल बनाना चाहती हैं और काश्मीरी या डेगी मिर्च उपलब्ध नहीं है तो दो तीन लाल मिर्च के बीज निकालकर थोड़ी देर पानी में भिगो दें बाद में मिर्च मसल कर वह पानी सब्जी में डाल देने से सब्जी अधिक लाल वह स्वादिष्ट बनेगी और तीखापन भी नहीं आएगा दूसरा ताज़ा अजवाइन ना हो तो गाजर के सीरो को काटकर मिला दें अजवाइन का स्वाद देगा तीसरा जामन के लिए यदि दही ना हो तो उबले दूध में थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड मिला दें दही पाँच मिनट में जम जाएगा चौथा सब्जी में डालने के लिए यदि घर में टमाटर उपलब्ध नहीं हैं तो टोमेटो केचप डाल दें सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाएगा पांचवा सब्जी में डालने के लिए यदि पास में टमाटर नहीं है तो ताज़ा दही में एक चुटकी पिसी चीनी और एक बूंद लाल रंग डालें टोमेटो पल्प तैयार है छठा बैंगन का भरता बनाना हो और अंगीठी का स्वाद चाहिए तो भुने हुए बैंगन का छिलका उतारकर मैश कर लें और एक थाली में रखें फिर इनके बीचों बीच एक गड्ढा बनाकर उसमें एक कटोरी रखें अब गैस पर एक कोयला लाल करें और मैश किए हुए बैंगन के बीच में रखी कटोरी में रखें और कोयले पर एक चम्मच देसी घी डालकर थाली को अच्छी तरह ढक दें भरते में अंगीठी वाली सौंधी महक समा जाएगी सातवां यदि खाने का रंग लाल प्राकृतिक चाहिए तो चुकंदर को घीस धूप में सुखाएं और फिर पीस लें लाल रंग तैयार हो जाएगा आठवां खट्टे अंगूरों को इमली की जगह खटाई के लिए काम ले सकते हैं नोवा कोई चीज़ बनाते समय यदि क्रीम कम पड़ जाए तो अंडे को फोड़कर क्रीम की तरह गाढ़ा एक सार होने तक फेंटें और क्रीम की जगह इस्तेमाल करें दसवां, यदि सब्जी बनाते समय घर में प्याज ना हो तो हींग को अदरक के रस में भिगोकर कर सब्जी में डालें प्याज का स्वाद आएगा दोस्तों इन्हें भी आजमाएं। पहला पानी में फिटकरी डालकर रखने से पानी की गंदगी नीचे तली में बैठ जाती है दूसरा अगर कपड़ों पर चिंगम चिपक जाए तो उस पर रुई से मिट्टी का तेल लगाएं, कपड़ों से चिंगम उतर जाएगी तीसरा दरवाज़ा बंद करते वक्त या चोट लगने से उंगली का नाखून नीला पड़ जाए तो गुनगुने पानी में दस मिनट तक नाखून डुबोएं नीलाहट दूर हो जाएगी चौथा यदि गोंद कड़ी हो गई हो तो समान मात्रा में सिरका व गलसरीन मिलाकर गोंद की शीशी में मिला दें गोंद फिर से इस्तेमाल करने के योग्य हो जाएगी पांचवा, यदि किसी गर्म वस्तु से प्लास्टिक कागज़ चिपक गया हो तो उसे नेल रिमूवर से तुरंत साफ़ कर दें कार के स्टिकर भी इससे हटाए जा सकते हैं छठा रसोई के दरवाज़ों के अंदर कपड़े टांगने वाले हुक फिट कर दें ये छल्ले या अन्य चीज़ें लटकाने के काम आएंगे सातवां बरसात में माचिस सील जाती हैं माचिस को फ्रिज के स्टेपलाइजर के ऊपर या चाय पत्ती के डिब्बे में रखें फिर इस्तेमाल करें आठवां बच्चों के कपड़ों पर चिपकी बबल गम हटाने के लिए कपड़े को उल्टा करके उस पर प्रेस करें बबल गम आसानी से छूट जाएगी नौवां अगर आप छोटे बच्चे की दूध पीने की बोतल साफ़ करने के लिए कीटाणुनाशक लिक्विड या टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल के बाद उसे फेंके नहीं इसका इस्तेमाल आइस बॉक्स या डस्टबिन साफ करने में किया जा सकता है दसवां अगरबत्ती पानी में हल्की गीली करके जलाएं, वह ज़्यादा देर तक और अच्छी खुशबू देगी ग्यारहवा सोडा चाक पाउडर राख व डिटर्जेंट पाउडर समान मात्रा में मिलाकर कपड़े से छानकर भर लें आपका बढ़िया विम तैयार है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक like और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही है ज़बरदस्त टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुभ व मंगलमय हो